कमोडिटी की बात मिस्टर अजय केडिया जी के साथ। अजय सर, अब आपको धनिया में क्या लगता है? धन्यवाद जयश्री। देखिए, धनिया का अगर मोमेंटम देखिए, काफी एक मिला जुला मोमेंटम रहा है, ना कोई बड़ी तेजी हो पा रही है, ना ही कोई बड़ी मंदी हो पा रही है। इनफैक्ट मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सितंबर महीने में हमने देखा था कि प्राइजेस में 6400 के आसपास का एक बेस बन चुका था टेक्निकली, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 6800 के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल हमें लगता है फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है बट वॉल्यूम की कमी की वजह से मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर भी देखे तो हमने 28 अक्टूबर के करीब 6849 के आसपास का हाई लगते हुए देखा, और आज प्राइजेस में करीबन 1.5% की गिरावट के साथ 6600 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा। अराइवल्स मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है, फेस्टिव डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बट उसके बावजूद भी हम देखें तो प्राइजेस में कोई बड़ा जम नहीं आ पा रहा। बट ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाला टाइम काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि रबी की जो सोइंग है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राइजेस में ज्यादा बड़ा उछाल नहीं होने की वजह से काफी फार्मर्स है जो दूसरी क्रॉप के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज ऑफ नाउ सोइंग में थोड़ा डिले है और बुआई का जो एरिया रहेगा वो भी काफी गिर सकता है। इस बार नमी ज्यादा थी इसलिए बुआई में डिले है, तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक बड़ा उछाल के लिए तैयार है बट डिमांड नहीं आ पा रही है जिसकी वजह से मार्केट में दबाव। तो एज ऑफ नो अगर हम ये हफ्ते की अगर बात करते हैं तो ये हफ्ते में धनिया में थोड़ी सी गिरावट भरा रह सकता है बट कोई बड़ा फॉल मत समझिए। 6450 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा और हायर साइड में फिर से 6850 का जो रेंज है इसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। इस बार रमजान थोड़ी जल्दी है जिसके चलते फरवरी और मार्च में सप्लाई पे काफी बड़ा प्रेशर बन सकता है, और इस बार सोइंग जो डिले हुई इसकी वजह से नया माल भी थोड़ा डिले आएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक मुख्य कारण हो जाएगा जो प्राइजेस में एक बड़ी तेजी का कारण रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 6850 का लेवल ध्यान रखिए, 6850 का लेवल ब्रीच होते ही प्राइजेस में एक अच्छा उछाल रहेगा जो 7200 तक का लेवल दिखा देगा, और एज ऑफ नाउ 6400 से 6450 का एक बेस बनेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ते में आपको ध्यान रखना है, गिरावट में लेके चलना है, जो 6450 से 6500 के बीच में लीजिए, अपसाइड में 6800 से 6850 का ही लेवल रहेगा, और 6850 का लेवल तोड़ने पे ही हम बड़ी तेजी देख पाएंगे। धन्यवाद।